देखो अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे एरे हैं उसको इंडिविजुअली हम लोगों अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, स्टोरिंग वैल्यूज ऑफ एन एरे इनटू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब हमारा जो एरे है हमारे पास उसको मल्टीपल वेरिएबल्स में मतलब अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरिएबल्स के थ्रू। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हमें एरे दिया गया है, ये एरे हमारे पास है, तो मुझे क्या करना है इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है तो वो क्या आ जाए, हमारे विनर आ जाए, सेकंड वाला जो है हमारे रनर अप आ जाए। कैसे अपन को शो करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली एक लेट करके हम लोग क्या बना देंगे, एरे लिख देंगे, उसके अंदर जैसे इंडेक्सिंग है ना वहां पे क्या लिख दो, विनर रनर अप जो भी आपको एक्सेस करवाना है। और यहाँ पे कहता है नेम्स, नेम्स में क्या आ जाएगा, ये नेम्स वाला एरे है ना उसमें से ही खुद ले लेगा नेम्स ऑफ जीरो पे जो है ना वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, विनर में। यहाँ पे नेम्स ऑफ वन पे प्रोड्यूस है ना तो वो कहाँ आ जाएगा, रनर अप में। ऐसे इंडेक्स वाइज ही एक्सेस कर लेता है एलिमेंट्स को, फिर हम चाहें तो उसको प्रिंट करवा लेंगे। विनर और रनर अप को प्रिंट करवाएंगे ना क्या होगा, विनर पे जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट था नेम्स का वो एक्सेस हो जाएगा 20, रनर अप में क्या देगा ब्रूस वाला एलिमेंट जो सबसे उसके नेक्स्ट वाला था, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 20 और ब्रूस। ऐसे हम लोग का इंडेक्स वाइज एक्सेस होता है। एक बार हम लोग चल के इसको वीएस कोड में भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक एरे बनाती हूँ, तो लेट यहाँ नेम्स हो जाएगा इक्वल टू हमारे एरे बनना है। तो लेट सपोज मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे 20, और सेकेंड नाम लिख देते हैं ब्रूस, और फिर लेट सपोज स्टार्क डेविल, उसे रैंडमली कोई भी नाम रख दो, फिर क्या आ जाएगा एंजल। ऐसे हम लोगों ने मल्टीपल नाम रख लिए। लेकिन अब जैसे मुझे एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, तो मैं पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे विनर होता था उसके लिए क्या कर सकते हैं, नेम्स ऑफ जीरो से एक्सेस कर सकते थे, तो ठीक है ऐसे कर सकते थे। फिर जैसे हम लोग को लिखना है कि लेट यहाँ पे रनर अप लिखना है, ठीक है रनर अप के लिए क्या करोगे, नेम्स ऑफ वन लिखना पड़ेगा अपन को। फिर क्या करेंगे कि हम लोग को नेक्स्ट लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट सेकेंड रनर अप, तो सेकेंड रनर अप के लिए क्या करोगे, सेकेंड रनर अप उसके लिए क्या करोगे, नेम्स में जो हमारा सेकेंड वाला एलिमेंट है नेम्स ऑफ टू करके इसको एक्सेस कर लेंगे, ऐसे करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि एक एक करके जो हमारे एलिमेंट्स उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग इंडेक्स वाइज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग टास्क है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, यहाँ से कमेंट आउट करने के लिए पहले कंट्रोल प्लस के करो फिर कंट्रोल प्लस सी करो, उससे कमेंट आउट हो जाएगा पूरा कोड। अब हम लोग चलते हैं इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, एक एरे बनाते हैं उसके अंदर मैं ये एलिमेंट्स रखूंगी, जैसे विनर है ना तो कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, कॉमा करके हम लोग क्या करेंगे रनर अप है तो यहाँ पे कॉपी कर लो, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लो, हमारा रनर अप भी आ गया। और हम लोग को क्या चाहिए, सेकेंड रनर अप चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी कर लूंगी, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लोगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, सारे हमारे एरे बन गया जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को स्टोर करवाया था। अब मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा हमारे नेम्स में से वन बाय वन। तो नेम्स जैसे ही करोगे ना यहाँ पे, तो विनर में क्या जाएगा टोनी आ जाएगा, रनर अप में हमारा ब्रूस आ जाएगा, और सेकंड रनर अप पे हमारा स्टार्क आ जाएगा। मतलब कैसे एक्सेस करेंगे, इंडेक्स बाय इंडेक्स। हम लोग चाहे इसको वेबसाइट में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कंसोल ओपन कर लिया है, देखो हमको विनर को एक्सेस करना था, मैं क्या लिखूंगी विनर को, तो टोनी आ गया। अब मुझे रनर अप चाहिए, तो रनर अप जैसे लिखोगे फिर हमारा ब्रूस आ गया। अब मुझे सेकंड रनर अप चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे इंडेक्स वाइज हम लोग का एक्सेस हो गया। तो देखो स्टार्क आ गया। तो लेट सपोज अब मुझे क्या करना है कि सेकंड रनर अप में ना, मतलब अब मुझे यहाँ पे सेकंड रनर अप की जगह अदर्स लिखना है। अदर्स में क्या होगा कि जितने भी सारे एलिमेंट्स है ना वो सारे आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, तो थ्री डॉट्स लगाएंगे और रेस्ट लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि विनर और रनर अप में तो ये टोनी और ब्रूस आ गया, लेकिन रेस्ट में क्या हो जाएगा बाकी के तीनों एलिमेंट्स है ना वो सारे आ जाएंगे रेस्ट में। तो एक बार चाहते इसको वेबसाइट में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं विनर लिखूंगी तो सिंपली टोनी आ गया, लेकिन अदर्स लिखूंगी ना, अदर्स में यहाँ पे अदर्स में, अच्छा यार रेस्ट लिखा है मैंने, अदर्स कर दो, रेस्ट तो कॉन्सेप्ट है, अदर्स लिख दिए। एक बार चल के फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं अदर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बचे हुए तीनों एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करता है। अगर हम थ्री डॉट लगा के अदर्स यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट अदर्स की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, तो उसमें क्या बेसिकली हो जाएगा जो बाकी के सारे एलिमेंट्स थे ना वो सारे एक्सेस हो जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। हम लोग जब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कैसे यूज करते हैं, बेसिकली क्या होगा, ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये आपको पहले ही आता है, विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं, और लास्ट में क्या आता है यहाँ पे सेमीकोलन आता है। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, एक कॉन्स्टेंट का कीवर्ड यूज कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है यहाँ पे यूजर नेम, किस कीवर्ड यहाँ पे यूजर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दी, पासवर्ड हमारे पास नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, और ये एक्सेस करेगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो प्रॉपर्टी डिफाइन है अगर वो चेक करेगा, अगर ये प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यूज हमें दे देगा, अदरवाइज अनडिफाइन आएगा, और बाद में जाके इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं हम लोग। तो एक बार चल के इसको हम लोग कॉन्सोल में समझते हैं। देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखूंगी यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट आ गया,
और मैं क्या करूंगी, इक्वल करके और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाता है, सेमी कॉलन आ जाता है। अब मुझे इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, जैसे इसका नेम लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, करण आ गया, जैसे सपोज इसका नाम आ गया। अब प्रॉपर्टीज को हम लोग, ये की वैल्यू का पेयर होता है, अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी लिखने का कॉमा यूज करेंगे। लेट सपोज मैं एज लिखती हूँ, तो एज के अंदर कितना आ गया, 14। फिर उसकी क्लास लिख देते हैं, लेट सपोज की क्लास है 9th क्लास में ये पढ़ता है, ठीक है, कॉमा करके फिर लेट सपोज इसका एज हो गया, क्लास हो गया, और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट्स एक यहाँ पे, सब्जेक्ट्स में क्या आ जाएगा, हम लोग बहुत सारी एंटिटीज चाहें तो ऑब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैथ्स आ गया, और ये किस में आएंगे, डबल कोर्स में आएंगे, मैथ्स आ गया, और क्या है, लेट सपोज फिजिक्स है, और फिजिक्स आ गया, और लेट सपोज इंग्लिश है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। अब दूसरा क्या है, इसका मैंने यूजर नेम बनाना है, तो यूजर नेम बनाने के लिए क्या करूंगी, यूजर नेम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट द रेट, यहाँ पे करण एट द रेट 123, ये इसका क्या हो गया, यूजर नेम हो गया। और मुझे एक और चीज सेट कर देते हैं, इसका पासवर्ड, तो पासवर्ड के अंदर लेट सपोज मैं लिखती हूँ, ये हमेशा जो की वैल्यू का पेयर आते हैं ना, डबल यहाँ पे कोलन लगा के ही लिखना आप, वरना क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा अगर आप और कुछ यूज करोगे तो। ये हमारा क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया हमारा। अब मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, तो लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, एक यूजर नेम बनाती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले लेट यूजर नेम, क्योंकि कोई भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग कैसे डिक्लाइन करते हैं, लेट से। अब मुझे यूजर नेम तो आ गया, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इस वाले यूजर नेम को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली लिखूंगी स्टूडेंट डॉट यूजर नेम, ठीक है, ऐसे लिखोगे ना तो आ जाएगा, या फिर इसको एक काम करो यूजर लिख दो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो दोनों में, तो कंट्रोल एस करके हम लोग सेव करके अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं यूजर लिखूंगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेंट एट द रेट 123, मुझे दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन रहती ना, लेट सपोज अब मैं ये इसका पासवर्ड भी सेट कर देती हूँ, लेट पास करके इसका पासवर्ड करना है ना, तो क्या करोगे, सिंपली स्टूडेंट डॉट पासवर्ड करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड करके इसको यहाँ पे क्या, स्टूडेंट का पासवर्ड एक्सेस कर सकते हैं इसके विद हेल्प ऑफ पास। तो मैं ये क्या लिखूंगी, सिर्फ पास लिखूंगी नहीं, तो इसका पासवर्ड भी आ जाएगा। देखो अभी तो ये बहुत सारी कम एंटिटीज है, लेकिन सपोज बहुत सारी एंटिटीज होती तो हम लोग इंडिविजुअली लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे डिस्ट्रक्चरिंग, इसके लिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ कौन जैसा कीवर्ड लिखा। अब मुझे क्या करूंगी, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो उसको की वैल्यू के पेयर में लिखूंगी, जैसे यूजर नेम है, तो यूजर नेम को हम लोग इसमें लिखेंगे, यहाँ पे एक यूजर नाम की हम लोगों ने की वैल्यू का पेयर बना दिया। अब मैंने क्या करा, इसे पासवर्ड लिखा है मैंने, ठीक है, पासवर्ड के लिए मैं क्या करूंगी, फिर भी कि इसको पास के अंदर डिफाइन कर देंगे, वैसे डिफाइन कर लो, और एक एक्सेस किससे करेगा, जो स्टूडेंट नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, वहां से एक्सेस कर लेगा। ऐसे इसको एक्सेस करने का तरीका होता है, एक बार चल के देख ही लेते हैं। यहाँ पे यही किया, यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड हो जाता है वो हमारा, और एक्सेस कैसे करेगा, स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लेगा। और ये चीज याद रखना, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं ना, तो इसमें हमेशा क्या यूज होता है, हमारे कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, देखो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगी, यूजर लिखूंगी, तो करंट भी आ गया, और मेरे को पासवर्ड देखना है, तो पासवर्ड हमने सेट किया था, तो ऐसे आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम लोग एक्स को नहीं लिखते ना, ऐसे भी आ जाता, अगर ये पासवर्ड हटा दो ना, तो ऐसे भी सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ क्या लिखूंगी, यूजर नेम लिखते हैं, यूजर नेम, तो ये आ गया, और हम लोगों को इस पासवर्ड एक्सेस करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, पासवर्ड यूज कर दूंगी, ठीक है। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ से सिर्फ यूजर ही लिखती ना, तो क्या आता, अनडिफाइन आता, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट में देखेगा, ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने यूजर को डिफाइन ही नहीं किया, तो क्या है, अनडिफाइन आएगा, देख भी सकते हो। लेट सपोज मैं क्या लिखती हूँ, यूजर लिखती हूँ, अभी अनडिफाइन आया, लेकिन लेकिन जब मैं क्या करूंगी, इस की वैल्यू के पेयर में लिख दूंगी ना, तब इसकी वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हम लोग का क्या करना है, वैल्यूज की डेजिनेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हम लोग की वैल्यू के पेयर में। तो यहाँ पे सिंपली मैं पासवर्ड के लिए भी कर दूंगी, पासवर्ड के लिए हम लोगों ने पास नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया। लेट सपोज मुझे कोई और एंटिटी भी एड करनी रहती, लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, सिटी बनाती हूँ, और यहाँ सिटी में मैं लिखती हूँ मुंबई, तो मुंबई लिखा मैंने, तो मुंबई अभी तो ये देखेगा इसके अंदर हमारी प्रेजेंट नहीं है, या इक्वल आएगा, क्योंकि हम लोग वैल्यूज पे एसोसिएट कर रहे हैं, इसमें देखेगा इसमें है ही नहीं, तो क्या करेगा, न्यू वैल्यू असाइन कर देगा। तो अब चाहे ना, तो हम लोग सिटी भी एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, मुंबई ही आ गया, ठीक है। लेकिन सपोज यहाँ पे अगर ऑलरेडी यहाँ पे सिटी प्रेजेंट रहती, यहाँ पे जैसे मैं सिटी लिख देती हूँ, सिटी में क्या आ जाता है, पुणे, तो जैसे हम लोग लिखेंगे ना पुणे, तो ये क्या करेगा, हमारी ओरिजिनल जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट में उसको लिखेगा, रेदर देन हम लोगों ने जो वैल्यू लिखी है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना, सिटी लिखेंगे ना, पुणे आएगा, देखो पुणे आ गया, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यू है हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी हायर प्रायोरिटी होती है, तो वही अपन को दिखेगा।
ठीक है, लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, उसको ना एक प्लेस नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। तो अब देखना क्या होगा, अब जैसे प्लेस लिखूंगी ना मैं, तो अब कितनी आएगा पुणे, क्योंकि अभी भी उसकी प्रायोरिटी कितनी हाई है जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था। लेकिन अगर सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अगर पुणे हटा देती हूँ तो क्या आएगा, हमारी क्या वैल्यू हम लोग शो करेगी प्लेस की, मुंबई। अब मैं क्या लिखूंगी, अपनी प्लेस लिखूंगी ना, आपके हमें शो करेगा मुंबई। तो ये डिफरेंस, अगर ऑब्जेक्ट डिफाइंड होगा ऑलरेडी, उसके अंदर कोई एंटिटी हमारी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी तो उसकी हाई प्रायोरिटी होगी तो वो अपन को शो करेगा। लेकिन सपोज वो डिफाइन नहीं है तो क्या करेगा, जो हम लोग न्यू डेस्टिनेटिव वैल्यू है ना उसकी, वही अपन को शो करके देगा। हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। देखो तो रेस्ट बेसिकली क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है स्प्रेड का। स्प्रेड में क्या करते थे, हम लोग फैलाते थे, यहाँ पे अपन ज्वाइन करेंगे बहुत सारे आर्गुमेंट्स को मिला के। बेसिकली ये कर रहा है, अलाउस अ फंक्शन टू टेक इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड बंडल देम इन एन अरे। मतलब ये क्या करता है बेसिकली, कि हमारे पास एक फंक्शन है तो ये इसमें क्या करते हैं, जितने भी आर्गुमेंट्स अपन चाहते हैं ना उतने ले सकते हैं, और क्या करता है कंबाइन करता है इन द फॉर्म ऑफ अरे। तो बेसिकली हम लोग, जैसे आपने सोचा होगा, मेट डॉट मिन होता है, मेट डॉट मैक्स होता है, क्या होता है मेट डॉट मेन हमारा फंक्शन होता है, मतलब मेथड होता है, और हमारा क्या होता है मेट डॉट मैक्स होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स से लेता है, लेकिन उनमें क्या करते हैं, उन सबको मिला के उसमें से क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, वो होता है हमारे डैश के थ्रू, मतलब बंडल करता है एरे में। तो ये हमारा डैश का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक बार चलते हैं अपन VS कोड में समझते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन सम नाम का, और उसमें ना देखो सम नाम का फंक्शन है, इसको याद देखना, इसका सिंटेक्स जो होता है ना सेम होता है स्प्रेड की तरह। यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, आर्क्स लिख रही हूँ, आर्क्स मतलब एक छोटा लिख रही हूँ, मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट लिख रही हूँ। अब मुझे क्या करनी है, स्टार्टिंग से लेके मतलब फॉर, यहाँ पे लेट आई इक्वल टू जीरो से चलते हैं कहाँ तक, आई लेस देन आर्क डॉट लेंथ, मतलब ये पूरी इसकी लेंथ को कवर करेगा और आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेगी। और हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे कि कंसोल डॉट लॉग, और यू गिव अस मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, जो जो आपने वैल्यू दी है, और सबको इस कंबाइन करके अपन को शो करेगा आर्क्स ऑफ आई लिखते हैं। तो अब क्या होगा, एक बार कंट्रोल एस करके पहले वेबसाइट पे देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसने किया क्या। ये देखो यहाँ पे कंसोल पे जैसे हम लोग लिखते हैं कि जैसे सम ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या जाएगा 1, पर मैंने 1 पास किया तो क्या लिखा है, यू गिव अस 1। लेट्स सपोज हमें क्या करती हूँ, सम के अंदर अपने दो आर्गुमेंट पास करती हूँ 1, 2, तो क्या होगा कि क्या लिखेगा, यू गिव अस 1 और 2। लेट्स सपोज हमें क्या करती हूँ, चार आर्गुमेंट देती हूँ 1, 2, 3, 4, तो ये क्या आ गया कि यू गिव अस ये 1, 2, 3 तो आपने हमें दिया था। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे एक सम नाम का फंक्शन बनाया, उसमें जो जो वैल्यूज हम लोगों ने पास करने हैं उसको क्या कर रहे हैं, आर्क्स नाम के आर्गुमेंट में शो कर रहा है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज को ये ले रहे हैं और आर्क्स नाम के एरे में ये कंबाइन करके अपन को शो कर रहा है। तो ये हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है बेसिकली, इसका काम क्या होता है कि रेस्ट का बहुत सारी चीजों को कंबाइन करना। तो आर्क्स नाम का एरे बन रहा है हमारा, और उसके अंदर जो जो वैल्यूज हम लोग पास करेंगे वो उसको कलेक्ट करके, बेसिकली क्या काम होता है, इसको कलेक्ट करके अपन को एक चीज शो करने का। ठीक, देखो अब आप चाहो ना तो इनमें ऑपरेशन भी करवा सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारी वैल्यूज को मिलाकर ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, आर्क्स नाम के एरे में। तो आप उसमें कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन बनाती हूँ मिन नाम का फंक्शन, यहाँ पे मिन कर देते हैं, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ a, b, c, d, ये हमारे क्या हो गए आर्ग्यूमेंट्स हो गए। और मैं क्या करवाती हूँ, अपने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा देते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करूंगी आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, एक बार कंट्रोल एस करके आप देख भी सकते हो वेबसाइट में। तो मैं क्या करूंगी, इसे मेन को कॉल किया और मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए। तो देखो आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में अपन को शो कर रहा है, एरर नहीं आया यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो तो बेसिकली क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स जो होता है ना वो हमारे जावास्क्रिप्ट में कलेक्शन की तरह स्टोर रहता है। आप यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट यहाँ पास नहीं करते ना, फिर भी यहाँ से सही आता, आप देख सकते हो अभी। मैं लेट सपोज यहाँ क्या करती हूँ, मिन लिख के 1, 2, 3, 4 लिखा ना, तो अभी भी देखो आंसर सही आएगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आ गए। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, 1, 2 डाला, तो भी आंसर सही आएगा, तो यहाँ पे 1, 2 आ गया। तो क्या होता है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है ना ऑलरेडी डिफाइंड होता है, मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये कलेक्शन कह सकते हो आप। तो लेट सपोज मैं क्या करवाती हूँ, इसकी लेंथ भी प्रिंट करवानी है ना, तो वो भी करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग करके, इसकी आर्ग्यूमेंट क्या लिखोगे ना, आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ करोगे ना, तो उससे क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ भी प्रिंट हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने 4 डालेंगे एलिमेंट्स, तो उसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, अपने मेन फंक्शन के अंदर 1, 2, 3, 4 लिखा, तो क्या हो गया, पहले तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट हो गए, उसके बाद यहाँ 4 क्या आया, उसकी लेंथ आई है। ठीक है, अब चाहूंगी ना तो इसके अंदर कोई ऑपरेशन करवाना है अपने, जैसे पुश पॉप होता था हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो नहीं हो पाएगा। चाहे आप देख भी सकते हो, इसमें लिखोगे कंसोल डॉट लॉग पर आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स डॉट पुश, और मैं पुश कर देती हूँ एलिमेंट,
7 पुश कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ पे हटाई दो इसको, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ आर्ग्यूमेंट्स डॉट पुश करोगे ना तो इसके अंदर एरर आएगा, आप देख भी सकते हो कंट्रोल एस करके। तो मैंने जैसे मेन किया और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये लिखे वैल्यू। तो पहला वाला आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो गया, लेंथ ही प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट पुश इज नॉट अ फंक्शन इट मीन। इसका बेसिकली मतलब क्या है, वो बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारे जो एरे होते हैं ना उसके अंदर जो पुश होता है, पॉप ऑपरेशन होता है, यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे सारे और न्यू पढ़ेंगे, जैसे मैप होता है और एवरी फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, तो वो सब जो होते हैं ना एरे पे अप्लाई हो पाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो बेसिकली करेक्शन है, तो उस पर अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, फंक्शन बनाती हूँ, फंक्शन सम नाम का, और मुझे क्या करना है इसमें सम कंप्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ अपने आर्ग्यूमेंट कलेक्शन का। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, सिंपली रिटर्न क्या करवा दूंगी, यहाँ पे रिटर्न करवा दो आर्ग्यूमेंट्स डॉट रिड्यूस मेथड में यूज करूंगी। अभी हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे रिड्यूस मेथड होता क्या है, पहले आप देख लो यहाँ पे सिंटेक्स एक बार। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ सम कॉमन एलिमेंट कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ एरो फंक्शन, जैसे एरो फंक्शन हमने पढ़ा था वो हो गया हम लोगों ने। एरो फंक्शन के अंदर क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे सम प्लस एलिमेंट इसे आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये वाला है ना, देखो यहाँ पे रिटर्न होंगे आर्ग्यूमेंट और रिड्यूस मेथड यूज करें, यहाँ पे सम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या आता है एरो फंक्शन आता है, और यहाँ पे सम प्लस एलिमेंट मतलब एक करेगा क्या बेसिकली कि सारे वैल्यूज को लेगा, मतलब हम लोग सम के अंदर स्टोर करेगा और पहले एलिमेंट्स को लेगा और एक एक करके उसको क्या करेगा ऐड करेगा, और हमारे सम नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा देगा, ठीक है। एक बार कंट्रोल एस करके हम लोग वेबसाइट में भी देख सकते हैं हमने क्या किया कि यहाँ पे सम लिखते हैं और लिखते हैं 1, 2, ये पूरा सम को कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो अभी क्या एरर आएगा कि आर्ग्यूमेंट जो होता है ना बेसिकली हमारे कलेक्शन होता है, लेकिन जो एरे के मेथड होते हैं, जो रिड्यूस मेथड होता है वो क्या होता है, हमारे एरे का मेथड होता है, तो आर्ग्यूमेंट अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। क्योंकि देखो आर्ग्यूमेंट में कलेक्शन है तो आप सोच सकते हो बहुत सी चीजों को मिलाकर ही शो करता है अपन को, काम सेम होता है एरे के जैसे ही कि हम लोग उसमें देख भी सकते हैं एलिमेंट को और हम चाहें तो उसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एरे के जो मेथड्स होते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या है, कलेक्शन है इसलिए। लेकिन अगर हम लोग चाहें ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिड्यूस मैथ यहाँ पे रेस्ट थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं अपने एरे को। मैं क्या करूंगी यहाँ पे ARGS, मतलब हम लोगों ने क्या किया अपने एरर, ARGS क्या बन गया, एरे बन गया। बेसिकली इसका काम क्या होता है रेस्ट का, कि बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के ये क्या करेगा एरे नाम, एरे है ARGS नाम का, उसमें स्टोर करवा देगा। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ, इसको कंट्रोल एस करके सेव करके अब क्या बन गया, अब एरे बन गया। तो हम रिड्यूस मेथड अपनी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग देख भी सकते हैं इसको वेबसाइट में। अब मैं क्या करूंगी, फिर से लगाऊंगी ना अपना सम मेथड यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज है। तो अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू कंप्यूट हो गई। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज निकाल लेती हूँ, ठीक है। अलग अलग रैंडमली आप वैल्यूज लिखोगी ना बहुत सारी, तो उसका सम हर कोई वैल्यू डालोगी ना तो उसका वैल्यू का सम कंप्यूट करके दे देगा। लेट सपोज मैं कोई सम लिखती हूँ और 1, 2, जैसे 1, 2 इसका सम निकाल के, मतलब हर जो वैल्यू डालोगी ना कितनी भी लेंथ हो सकती उन सबको मिला के उसका क्या करेगा सम कंप्यूट करके अपन को शो कर देगा। और ये मेथड हम लोग किसमें लगेगा, एरे में ही लग सकता है, कलेक्शन में नहीं लग सकता है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं अपनी रिड्यूस मेथड को एक दूसरे फंक्शन में अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करके इस पे सम को क्या करवा दो, यहाँ पे ये मिन बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मिन। तो ये हम लोग हटा देते हैं यहाँ फंक्शन, हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा आएगा हमारे सम फंक्शन से, लेकिन बहुत ईजी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ मिन की वैल्यू ग्रेटर देन हुई हमारे एलिमेंट से, तो हम लोग क्या करवाएंगे सिंपली रिटर्न किसको करवा देंगे हमने एलिमेंट को, अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारा इसमें कि हम लोग अपने रिटर्न करवा देंगे अपने मिनिमम एलिमेंट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर दो, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा मेन का फंक्शन बन गया जिसमें हम लोगों ने रिड्यूस मेथड यूज किया है। वो चल के इसको वेबसाइट में देखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे मेन लिखती हूँ, यहाँ पे सपोज 1, 2, 3, 4 ये बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए तो इसका मिनिमम एलिमेंट आ गया। दैट सपोज मैं मेन निकालती हूँ रेंडमली 67, 34, 89, 100, 27, 70, ठीक, ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। तो इन सब में से इसने मिनिमम एलिमेंट निकाल दिया, तो विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड हम लोगों ने ये भी सीख लिया, ठीक है। देखो लेट सपोज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे पैरामीटर में हम लोग को एक आर्गुमेंट लेना है, तो मैं क्या करूंगी मैसेज लिख लूंगी, यहाँ पे हमारा मैसेज जाएगा और मुझे ये क्या पास करवाएगा, एक मैसेज पास करके देगा, मतलब हम लोग एक नया पैरामीटर भी पास करवा रहे हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके अपने मैसेज को प्रिंट करवा देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, हम लोगों को इसको आर्ग्यूमेंट से पहले लिखना पड़ेगा, जो भी हम लोग मैसेज प्रिंट करवाएंगे ना वो यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, और आर्ग्स नाम में हमारा एक एरे है जिसमें एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। एक बार चलिए इसको वेबसाइट में देखते हैं। देखो बेसिकली मैं क्या करूंगी, मिन लिखा मैंने और यहाँ पे क्या लिखा, मैंने अपने हेलो को कॉल किया,
हेलो जैसे ही कॉल होगा ना उसके बाद हम लोग पेड़ करवा सकते हैं 1, 2, 3, तो ये हेलो तो प्रिंट होगा जो हम लोगों ने मैसेज पास किया है, मतलब जो पैरामीटर अपन पास करें वो एरे से पास हो गई जो मैंने मैसेज है उसमें से जो एरे बनाया है उसमें से मैंने कैलकुलेट नंबर करके दे रहा है। लेट सपोज यहाँ पे अगर हेलो की जगह मैं अपने नंबर पे प्रिंट करवा दी जैसे 10 यहाँ पे फिर 40 लिख देते हैं और 23, 67 ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करेगा ये 10 कैसे कंसिडर करेगा इस मैसेज को, तो 10 तो एज इट इज प्रिंट हो गई होगा और इसमें से जो वैल्यूज है ना इनमें से अपन को मेन एलिमेंट निकाल के दे देगा। तो मैं देखो 10 एज इट इज प्रिंट हो गया और इनमें से हमारी वैल्यू को मिनिमम वैल्यू जो थी उसको प्रिंट करवा के अपन को दे दिया। आई होप दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई अदर चैनल वेयर आई विल डिस्क्राइब द मूवी प्लॉट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन माई बायो। So if you have any doubts related to this video or any doubts related to DSA, LEET Core, Java, anything, you can comment down me or you can follow me on the LinkedIn. Thank you.